नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यूवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस करने की इच्छुक हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हो सकता है ये वीडियो आपके किसी काम का ना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़रूर किसी ना किसी के लिए काम आएगा दोस्तों, और बेरोज़गार युवाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ के अंदर पोस्ट आई हैं दोस्तों, अलग अलग पीजीटी के लिए, टीजीटी, पीआरटी और भी कई सब्जेक्ट हैं। तो ये नोटिफिकेशन है उसका सामने। पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, नंबर एक पे ये पीजीटी के सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे ये देखिए, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट हैं दोस्तों पीजीटी के लिए। और इसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ये है पीजीटी के लिए। और जो पीजीटी के ये सेकंड नंबर पे है दोस्तों, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, एमएससी हो या एमटेक हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर एमएससी हो जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर 50% मार्क्स के साथ। तो जो सेकंड है दोस्तों ये पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इसमें ध्यान देने की बात ये है कि इसके अंदर इन्होंने बीएड नहीं मांगा है, यानी कि बीएड एसेंशियल नहीं है। उसके बाद है दोस्तों थर्ड नंबर पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो बीई, बीटेक या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए। तो दोस्तों इसके लिए जो है ध्यान देने की बात क्या है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी इन्होंने बीएड नहीं मांगा है। इसके अंदर जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए के लिए यहाँ पे रेगुलर का भी जिक्र नहीं है दोस्तों, जैसा कि हरियाणा में था। जब हरियाणा के अंदर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्टें निकली थी तो उन्होंने रेगुलर कोर्स मांगा था दोस्तों, एमसीए और एमएससी उन्होंने रेगुलर की कंडीशन लगाई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद है दोस्तों नंबर चार पे ये जो है टीजीटी इंग्लिश के लिए है, हिंदी, मैथ्स, साइंस और संस्कृत, ये सब्जेक्ट हैं टीजीटी के लिए। और इसके लिए जो है बीए के अंदर यानी कि बैचलर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और साथ में है बीएड भी। और इसमें जो है दोस्तों टीजीटी के लिए सीटेट भी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है टीजीटी के लिए। उसके बाद जो है बात करते हैं दोस्तों टीजीटी सोशल स्टडी के लिए दोस्तों, नंबर पाँच पे ये देखिए टीजीटी सोशल स्टडी के लिए जो है बैचलर डिग्री के अंदर किसी दो सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। और एक कंडीशन इन्होंने और मेंशन की है इसके अंदर कि वन मस्ट बी आइदर ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और बीएड है इसमें इन्होंने मांगी है टीजीटी के लिए बीएड और साथ में सीटेट जो है क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि सीटेट पास होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नंबर सिक्स पे है ये टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, इसमें बैचलर डिग्री के साथ जो है वो फिजिकल एजुकेशन आपके डिग्री होनी चाहिए, बैचलर के अंदर फिजिकल एजुकेशन डिग्री। और उसके बाद है पीआरटी के लिए नंबर सेवन पे जो है पीआरटी के लिए दोस्तों 10+2 50% मार्क्स और साथ में जेबीटी और उसके साथ में जो है सीटेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये है जेबीटी के लिए। और नंबर आठ पे जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है, वो बीसीए नंबर आठ पे ये देखिए नोटिफिकेशन में, नंबर आठ पे जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीसीए, पीजी, डीआईटी, पीजीडीसीए, ग्रेजुएशन विद 2 इयर्स डिप्लोमा, यानी कि या तो बीसीए हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। अगर ग्रेजुएट हो दोस्तों तो ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा ज़रूरी है, ये है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। नंबर नौ पे है दोस्तों काउंसलर के लिए, इसके लिए जो है बीए हो या बीएससी हो साइकोलॉजी के अंदर और साथ में सर्टिफिकेट हो दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ये है काउंसलर के लिए। नंबर टेन पे जो पोस्ट है वो है जर्मन लैंग्वेज टीचर के लिए। और नंबर इलेवन पे जो है वो है वोकेशनल स्किल्स में, किसके अंदर दोस्तों स्पोर्ट्स, म्यूजिक, योगा और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है ये वोकेशनल स्किल। और बारह पे जो है पोस्ट है दोस्तों वो है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर जो हो एमबीबीएस होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, एमसीआई से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो सैलरी रहेगी एमबीबीएस डॉक्टर की वो 1000 रुपये पर डे की सैलरी रहेगी और सिर्फ 2 आवर्स की उसकी ड्यूटी है डॉक्टर की।
और नंबर 13 पे जो नर्स की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए और 750 रुपये पर डे जो है वो सैलरी है, और जो ड्यूटी रहेगी वो 7 घंटे की ड्यूटी इसके अंदर रहेगी। तो उसके बाद जो पोस्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। ये देखिए इसमें सैलरी पैकेज जो है इस पैराग्राफ में मेंशन है पूरा का पूरा। पीजीटी के लिए सैलरी रहेगी 27,500 रुपये, टीजीटी के लिए 26,250 रुपये, काउंसलर जर्मन टीचर वोकेशनल स्किल पीआरटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सैलरी है दोस्तों 21,250 रुपये। अब देखिए इंटरव्यू का शेड्यूल भी इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। पीजीटी और टीजीटी के लिए जो शेड्यूल है दोस्तों इंटरव्यू के लिए, वो है 1 मार्च का रहेगा पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए 1 मार्च को सुबह 8:30 बजे के लिए। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों दोबारा कि पीआरटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काउंसलर जर्मन लैंग्वेज टीचर वोकेशनल स्किल टीचर डॉक्टर और नर्स के लिए इंटरव्यू होगा दोस्तों 28 फरवरी को सुबह 8:30 बजे, और जो पीजीटी और टीजीटी के लिए है वो रहेगा दोस्तों 1 मार्च को सुबह 8:30 बजे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।